चेत् ब्रह्माण्डनाथम् निलनीलदतनु रत्नसिंहासनस्थम् तदख्रे भाग्यदात्री रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदख्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्यवानु श्रीलक्ष्मीरेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्मं स्मरामि परम कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवंशाकल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पदकमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रयमणे नमई तहंक चरणी तुंडे बोलई हरि हरि भुजगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछंती सिंहद्वार अपूर्व शोभा श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर से भक्त वृंदमानंकर कथा अन्यन्य महाप्रभुंकर भजन आपण माने श्रवण करुथिले अपूर्व भावर सहित विराजमान करी महाप्रभु एठारे लीला करुछंती। आज्ञा लीला जिमुते कलेवर देव मानव अगोचर महाप्रभु एठारे लीला करुछंती। आज्ञा से लीला को देखिबा पाई समस्ते आगमन करिथांती महाप्रभुंकर से लीला को देखिबा पाई केवल से लीला रे आपण माने देखुछंती किपरि भावरे महाप्रभुंकर लीला चली किए जे जेउठी थिले मध्य महाप्रभुंकर लीलारे अंशग्रहण हवा पाई दौड़ी आसंती। आज्ञा महाप्रभुंकर अनन्य वेश जहाँकि जहार नाम होची सुवर्णर वेश राजाधिराज वेश महाप्रभु विजया दशमी रे अपूर्व भावर सहित से विजयत्व को प्राप्ति करिबा पाई महाप्रभु मध्य आयुधमान को प्रदान करिथिले काहाकु ना देवी दुर्गा को जहांकर पाखरे आयुध क्वाजे सुलेन पाहिनो देवी पाही खड़गे न चांबिके घंटा सुनेन न पाही चाप ज्ञानी सुनेन ता प्रत्यारक्ष प्रतिचंच चंडिकाय रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उतरस्य तथेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते जानि तत्रार्थ घोराणि तैरस्मा तथा भुवम गोटिया गोटिया अस्त्र को संपूर्ण भाव में निक्षेप करी आम मान रक्षा करिबा महादेवी सदा सर्वदा प्रचेष्टा करी चली थिले। से महादेवींकर आज होची अपराजिता पूजा अपराजिता पूजा ये अपराजिता पूजा रे अनेक किछि रही छि। आज्ञा दशमी दिन पूजा होई थांती अपराजिता पूजा यार स्वतंत्रता मध्य रही छि। आज्ञा कहीं कि ना जेते प्रकार रही छि तादर समस्त प्रकार रो स्वतंत्रता मध्य रही छि। गोटे नाम महादेवींकर अपराजिता जेहेतु ये स्वतंत्र विधि विधान अनुसार अपराजिता कहिले अपराजिता पुष्प
छड़ी बंधु नगर गहर गहर जीवा चल जो स्थान रे ऊपर अपराजिता थंती से अपराजिता को पूजा करा जाई थाए। आसन्न मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जहाँ को अपराजिता पूजा मध्य कहा जाए थाए। पूजन र स्वतंत्रता रही आज्ञा कहीं ना एवं आप देखिए पूजा को मध्य पूज करदे पूज अफर पूजा को पूज करदे कौ भली भावर सहित चली आज्ञा अपभ्रंशता ये अपभ्रंशता चलवा द्वारा मानव जीवन प्रति निश्चित भाव आसी थाए अनेक कष्ट जंत्रणा आसी थाए सेथिपाई ये अपराजिता पूजारे महादेवी को स्पर्श कराई ये अपराजितार समस्त प्रकार पुष्प लता इकु धारण करा जाई थाए। पूर्वे पुष्पटीर नाम तार अपराजिता ए पुष्पर नाम जेमिति काम सही बली मध्य सही बली बाबरे यार नाम रे ही रही जय ओ सार्थकता जय ओ सार्थकता एणु नाम ताहार होई अपराजिता यार अन्य नाम नीलकंठ शंख पुष्प गोकर्ण देखा को गोकर्ण भली देवदेव महादेव मध्य अन्य नाम हूँ नीलकंठ यही फूल माँ दुर्गा संपर्क रही माँ दुर्गा सहित संपर्क रही पुष्परे यही पुष्परे माँ दुर्गा सहित संपर्क अनेक प्रकार कथा रही कहीं ना अपराजिता इमाम पूजेत ममाम देवी यथाशक्ति निवेदयामि सिमली भावर सहित अपराजिता स्तोत्र रे मध्य कुआ जाई नीलोत्पल दल श्यामा भुजंगाभरणाद्वयम् शुद्धस्फटिक संकाशा चंद्रकोटि निभान नाम अनेक कथा रही ता सहित मध्य प्रार्थना जिते बड़े करा जाई थाए क्वाए सिद्ध जोगिनी डांकिनी सांकिनी स्कंद ये समस्त प्रकार विजयत्या प्राप्ति पाए मध्य अपराजिता को पूजा करा जाई थाए। सिद्धिपाई जस्य प्रसा जस्या प्रास प्राणस्यते पुष्पम गर्भो वा पतते यदि ही निर्भय निर्भये बालुको जस्या काया बंधा चजा भवेत जते मध्य भय तिले मध्य निर्भयता जे प्रदान करंती से उचंती अपराजिता आउरी मध्य अपराजितार कथा रही आज्ञा ये अपराजिता अष्ट दशमी रे आजि जी मध्य कुआ जाई तेणु माँ दुर्गांकर अन्य नाम मध्य अपराजिता माँ अपराजितांक तेणु यही अपराजिता पुष्पा अत्यंत प्रिय महादेवंकर माँ शक्ति माँकर शक्ति होई रही अपराजिता पुष्प मध्य महादेवंकर प्रति अति प्रिय अटे शारदीय दुर्गा पूजार अत्यंत बा अंतिम पर्व हूँ अपराजिता पूजन कहा जाए जे माँ अपराजितांकर पूजा चतुर्युग आरंभ पूर्वरु रही श्री ब्रह्मांकर द्वारा श्री ब्रह्मा और विष्णु सदा सर्वदा माँ अपराजिता को ध्यान करुछंती शारदीय दुर्गा पूजा ये जो शारदीय दुर्गा पूजा रही आज्ञा
शारदीय दुर्गा पूजा अंतिम दिन बा दशमी दिन आज दिन रे माँ को विदाय देवाई ए पूजा अनुष्ठित होइथाय मांकर निरांजना अपराजिता पूजा रे मध्य करा जाइथाय अनेक कथा रहिछि ए अपराजितार खाली पुष्प नुह अपराजितार दुर्ग उत्सव रे मध्य किंवदंती रहिछि अपराजितांको नै से भली भावर सहित तंको जे मध्य स्मरण करि दियंती कहा जाइछि जे शारदीय दुर्गा पूजा अंतिम दिवस आज दिन में अपराजिता पूजा द्वारा माँ तुष्टा होई जजमान को आशीर्वाद प्रदान करी थांती सेतिपाई जजमानंकर समस्त प्रकार शुभफल प्राप्ति पाई अपराजिता पूजा करा जाई थाए कुहा जाए जे माँ अपराजितांकर पूजन चतुर्युगर आरंभ रे करा जाई थिला मांकर पूजा कोजे मांकर निरांजना अपराजिता पूजा बिना मध्य अधूरा रही जाई थाए अपराजिता पूजन द्वारा माँ तुष्टा होई जजमान को आशीर्वाद प्रदान करी थांती सर्व विजयी भव मध्य कही थांती विवाहिता महिला माने अपराजिता पूजा रे माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पण करी अभय सौभाग्यता हेबार आशीर्वाद कामना करी थांती या कथा जो अच्छी अपराजितांकर कथा रे पांडव माने विराट राजा राजधानी रे अज्ञातवास निमंते प्रस्तुत होता बेले अर्जुन श्मशान निकट रे एक समीवृक्ष रे अस्त्र शस्त्र लुचाई रखु थांती सेठारे माँ दुर्गा आविर्भाव होई युधिष्ठिर निर्विघ्न अज्ञातवास पाई आशीर्वाद प्रदान करिथिले तेणु समीवृक्ष माँकर वासस्थान मने करी विजयादशमी दिन समीवृक्ष विधि मुताबके मध्य पूजा होई थाए माँ अपराजितांकर पूजा मंत्र मध्य रहिछि इमाम पूजाम ममाम देवी यथाशक्ति निवेदयाम रक्षे रक्षार्थ तु सदा यातम वज्रस्वम सस्तानमुत्तमम हारणे तु विचित्रेण भास्वतम कनकमेखलः अपराजिता भद्ररतां करतु विजया ममम अर्थात हे देवी मोर क्षमता अनुजाई मु विजय प्राप्ति निमित्त आपणंकर पूजा कली मते आशीर्वाद करी आपण सुस्थान प्रदान करंतु हे विचित्र कनक मेखला द्वारा शोभिता देवी अपराजिता मोर सर्वविधा विजय पाई आशीर्वाद करंतु आम ओडिशार केतेक अंचल रे अपराजिता फूल रे मांकु विदाय कालीन संवर्धना देवा पाई साहिर महिला माने झियो माने मध्य कौन करी थंती विदाय काली भली कंदा कटा मध्य करी थंती यह मांकर प्रति श्रद्धालुंकर भक्ति और श्रद्धार परिचय अपराजिता फूल भारत रे प्राय सबु स्थान रे मिली थाय यह एक सबुदिनिया पुष्प आज्ञा वर्षा खरा सबुबले फुटी थाए अपराजिता धला अपराजिता अच्छी आउ कला अपराजिता मध्य अच्छी किंतु ये जो कला अपराजिता होती देवींकर अति प्रिय कह जा अपराजिता फूल खाली महादेव ओ अंबिका इंकर प्रिय नुहे अधिकंतु यह हनुमान ग्रहराज शनि
माँ लक्ष्मी और श्रीमन नारायण अति प्रिय नारायण को मध्य अपराजिता पुष्प ग्रहण करहब दे हब पुष्प ये सुंदर पुष्पर बहु दिव्य चमत्कारी गुण मध्य रही आज्ञा अपराजिता निजर दोष ओ तंत्र मंत्र दोष संपूर्ण भाव रे जते प्रकार दोष अछि तंत्र मंत्र दोष को दूर कर दिंती आज्ञा का उपरे तंत्र प्रयोग करा जाय छि ताका ता हाथ रे यदि अपराजिता रो किछि अंश अर्थात अपराजिता रो चेर क्वाणी पूजन करी भल भाव रे यदि बंधा जाय थाए कौनसी तंत्र मंत्र मध्य काम करे नाही ता उपरे ताको विधि विधान सहित आज्ञा यदि आणिकी लगा जाए तंत्र तंत्र जो माने कहती से चमत्कार अनेक प्रकार रही अपराजिता निजर दोष जिते प्रकार दोष था आज्ञा से समस्त प्रकार दोष को दूरीभूत कर दिंती कहा जाए फूलमाल जिते बड़े अपराजिता फूलमाल द्वार रे टंगाइले गृह मध्य रे थिबा समस्त प्रकार नकारात्मक ऊर्जा विनाश हो जाए वो सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हुई थाए यहा द्वारा मनुष्य जीवन धनर समस्त समस्या दूरीभूत हो जाए थाए एक कथा मध्य रही ता सहित आउ कौन रही ना संपूर्ण भाव रे फूलमाल को द्वार रे टांगीबा सहित जेते प्रकार रा कथा रही ये समस्त प्रकार रा कथा को आपण यदि क्रिया अनुसार करंती ताले संपूर्ण भाव रे क्रिया रा फल मध्य आपण माने प्राप्ति होई पारिबे क्रिया रा अनेक कथा रही सिद्धिपाई महाप्रभुंकर ये स्वतंत्रता रही ये पुष्प उपरे मध्य ये पुष्प द्वारा महादेवतांकर मध्य अर्चन करा जाय पारे कहा जाय छी यहा द्वारा मनुष्य जीवन रे धन समस्त समस्या दूरीभूत हो जाय थाए कौन करिवे ना सोमवार रात्र रे पांच गोटी अपराजिता फूल पांच कहा जाय छी पांच सप्ताह धरी नदी स्रोत रे प्रवाह हेले यदि प्रवाहित करि देबे ताहले कौन हबो ना समस्त प्रकार रो दिव्यता मध्य प्राप्ति होई थाय ई दिव्यता को प्राप्ति करिबा पाई मध्य मनुष्य माने कौन करंती से अपराजिता पुष्प को मध्य एवली भाव रे नदी स्रोत रे मध्य बसाई देई महादेवींकर समस्त प्रकार रा कामनात्व को फल को प्राप्ति करी थांती सेति पाई ये अपराजिता पुष्प द्वारा मध्य धन प्राप्ति कराई यही पारिव सेति पाई अपराजितार पुष्पर अनेक गुणता रही आउरी मध्य रखा जाइछ आज्ञा आज जेहेतु से अपराजितांकर पूजा आउरी मध्य कहा जाइछ कौन ना विश्वास अछि सोमवार रात्रि कथा तो ये भाव आपण माने करिवे प्रवाह मनुष्य करज मुक्ति होई धनर आगमन होई थाए बोली विश्वास करा जाय थाए या द्वारा नुआ नुआ कार्य शैल एवं उन्नतिर समस्त बाट खोली जाय थाए प्रत्येह माँ दुर्गा किंबा माँ पार्वती को
एगार गोटी अपराजिता पुष्प अर्पण कले सर्वमनवांछा पूरण हुई थाए। जदि यह सबुदिन करिबा संभव न हुए, ये कहा जाइछि जदि संभव हेउ नाही ताले नवरात्र रे 9 दिन जाक कले सुफल मिली जाय थाए। जदि नवरात्र रे करि न पारंती तेबे 21 मंगलवार मांकु यह अर्पण करिबा द्वारा स्पित कार्य जहाँ इच्छा करितंती मिली जाय थाए। शनिवार किंबा मंगलवार अपराजिता फूल को हनुमान को अर्पण कले अनर्थ समस्त जो समस्त अर्थर समस्या दूरीभूत हो जाय थाए। अपराजिता शनिदेव को प्रिय पुष्प तेणु फूलरे शनि महाग्रह पूजा कले तांकर कृपा मिली थाए। आम आयुर्वेद शास्त्र रे अपराजितार बहुविध औषधीय गुण वर्णना करा जाइछि। मध्य ए फूल कटु कषाय ओ तिक्त रस युक्त, यह कंठ शोधन आउ शीतवीर्ज्या हर्षक स्मरण शक्ति वर्धक बोली कहा जाइछि, दुष्टि शक्ति वर्धक ज्वर काश शूल ता सहित आमदोष व्रण विष शोधन ता सहित कुष्ठ इत्यादि इत्यादि रोग रे मध्य विनाश करे। यहार चेर सर्प को दूर रखिबा पाई बोली मध्य मान्यता रही। ये चेर को जदि आपण देखेला मात्र के सर्प मध्य दूरीभूत हो जाई थाए। सेतिपाई जहाँ अपराजिता स्तोत्र रे वर्णना करा जाइछि अपूर्व भाव सहित, जे यदि रणे राज कुले दुते नित्य जस्य रजो भवेत शास्त्र वारयते हर्ष्यम समरे कांड दारुणे। यदि रण रे थिले मध्य यदि पुष्प को पुष्प वृक्ष को चिंतन करदे आपणकर विजय सुनिश्चित अच्छी। ता सहित आउ कौन रही ना रक्त माल्याम वरधराम महादेवी वर्णना करा सिद्धिपाई ये समस्त प्रकार दोष को धारण कहा जाइए। कौन किपर भाव आकर्षय आवनेशी ज्वालामाणी रमणी रामाणी धारणी धारिणी तपनी तापिनी दमनी दामिनी शोषणी संबोधनी नीलोपताका महानीले महागौरी महास्त्रये महाचंद्रा महाशौरी महावयूरा आदित्यरश्मि जिह्वा सुगंधे सुम सुगंधे 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 सुरा नीलोत्पलवासे। सिद्धिपाई एगो धारण करिबार अनेक मंत्र रही। शक्ति त्रिशूल शंखम च पानपत्राम च विभक्तितम व्यग्राचरम चम्ब्रांबराधराम किंकिणी जातितम। महादेवी मध्य प्रसन्न हो जाती आज्ञा। सिद्धिपाई सदा सर्वदा मन्यते पूज्यते जासाम माता, जहाँ मान्य हो पूजा करा जाए से माता। वाय संतान को जन्म दे नारी बेले बेले माँ हुए नहीं, सेतिपाई से जननी माता नाम पाई पारे। पशुपक्षी मध्य संतान जन्म करती परंतु से माने माता नुहंती माता हुंती नहीं। विश्वर कल्याण मानव जातिर उन्नतिर राष्ट्र विकास ओ सुना गरिका माक निर्माण करिबा नारी ही माता होई थंती। सुवर्णर संतान को जिए प्रस्तुत करी दियंती से होती माता। पुओटी को सुना करी दियंती कहीं ए पुओटे सुना पुआ बोली कही था जो कथार
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆୟୁଧ ପୂଜା। ଅନେକ ନୀତି ତ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ତ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆୟୁଧ ପୂଜା। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ନା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି, ସାମୂହିକ ନୀତିକାନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତିର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ନାଟ, ନୀତି ପୁନିଆ ନୀତି ହାଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ପୁନିଆ ନୀତି ହାଟ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନା ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲେ ମଧ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭେଦା ଶ୍ରିୟ ସମସ୍ତା ସକଲା ଜଗସ୍ତୁ ତୟି କୟା ପୂରିତମଂ ବଲେ ତତ୍ କାତେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ୍ୟ ପରାପରୋକ୍ତେ। ମହାଦେବୀ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ କରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅଗୋଚର ଆଜ୍ଞା। ଆୟୁଧ ପୂଜା କ'ଣ? ଆୟୁଧ କେଉଁ କେଉଁ ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କି କହିବ ବଚନ ହେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା, ଯମନ ଲଙ୍ଘଇ ଯାର ମୁକତିର ସୀମା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରହସ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବା କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହସ୍ୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଆୟୁଧ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଧ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମନ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତରେ ହଳ ମୁଷଳ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତଡ଼ାଗି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆୟୁଧ ପୂଜା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଇଛି ଯେପରି ଭାବରେ ଛଅ ଜଣ ମେକଅପ୍ ସେବକ ତିନି ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳି ଥାଳିଆରେ ଆୟୁଧ ରଖି ତଳୁଛ ଓ ପ୍ରଧାନୀ ସ ହାତ ପୈଠ ହୋଇ ପଟୁଆରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତିନି ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ, ତାହେଲେ ପୂଜା କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ଦେଶ ଆଗେ ହୋଇଯିବ, ବଲ୍ଲଭ ସରିସାରିଲା ପରେ, ସକାଳ ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସେ ସ୍ନାନରେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ରହିଛି, ମହାସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ, ମହାସ୍ନାନ। ତାପରେ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ପୋଛାଯାଇ ପୂର୍ବକ ପୋଛା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯିବ।
ବରୁଣ ପୂଜା କ'ଣ ନା କଳସରେ ଦେଖିଥିବେ, କଳସ ଉପରେ କଳସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଳ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ରହିଥିବ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ତାରି ଉପରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟପାତ୍ରର ସରା, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ ରଖାଯାଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବରୁଣ ପୂଜାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଲି ବରୁଣ ଦେବତା ସେଠାରେ ପୂଜା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦେବତା ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗଣପତି ଦେବତା ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ବରୁଣ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ସ୍ଥାନ ଦେବତା ଦେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବରୁଣ ପୂଜା। ବରୁଣ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ବରୁଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବରୁଣ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଛଅ ଜଣ ମେକଅପ୍ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଇଏ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଦଶହରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ଖାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଉତ୍କଳ ନୁହଁ, ବାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆୟୁଧମାନ ରଖାଯାଇଥାଏ, ମିଲିଟ୍ରି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଧ ପୂଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆୟୁଧକୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଲାଗିଥାଏ, ଶ୍ରୀପର ଲାଗିଥାଏ, ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ସରିଯିବ ସିନା, ଭୋଗ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଧ ନଥିବ। ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ କୁହାଯାଇଛି ତିନୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ ଆୟୁଧକୁ ରଖି ତଳୁଛ ଓ ପ୍ରଧାନ ସେବକଙ୍କ ହାତ ହାତ ପୈଠ ହୋଇ ପଟୁଆର ସହ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପରେ ପରେ ଯାଇ ଇଏ ତିନୋଟି ଯେତେବେଳେ ଥାଳି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତିନୋଟି ଥାଳିରେ କ'ଣ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧର, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା, ରୂପାରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ବାମ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଶଙ୍ଖ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର, ଚକ୍ର ପାଣିର ମୁକୁନ୍ଦ, ଶଙ୍ଖ ପାଣିର ମୁକୁନ୍ଦ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ନାଦ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଚକ୍ର ପେଶୀ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧର, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଧର, ତୁଳସୀ ମାଳା ଶୋଭିତ, ତୁଳସୀ ମାଳା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇ ମହାଦେବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମହାଦେବୀଙ୍କର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ
ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚକ୍ର, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ନା, ଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ତିନି ଜଣ ପାଲିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଯଥାକ୍ରମରେ ବଳବାଡ଼ ସାମନ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ହଳ ମୁଷଳ ଆଜ୍ଞା, ହଳ ମୁଷଳକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ତଡ଼ାଗି ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ତଡ଼ାଗି ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଠାରେ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଦଶହରା ପଦା, ସମସ୍ତେ ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ସ୍ଥିତ ମହାଖଳାକୁ ବିଜେ ନିମିତ୍ତ କେମିତି ପୁଣି ବେଶ ନା ବୀର ବେଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆଳତି ବଢ଼ିବା ପରେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଯିଏକି ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ତିନି ବାଡ଼ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପରେ ମହାଜନ ସେବକଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପ୍ରତିମାମାନ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗମୋହନ ଦେଇ ବଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପାଖରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ବିମାନରେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ରଥାକୃତ ବିମାନରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଯାହାକି ରଥାକୃତ ବିମାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ବିନା ବିମାନ, ମା ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ବିମାନ ନାମ ହେଉଛି ମଣି ବିମାନ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚୌପାଶେ ଘେରିଛନ୍ତି ସହଚରି ବୃନ୍ଦ, ମଣି ବିମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ। ମଣି ବିମାନଟି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିବ, ଝୁଲିଲା ଭଳି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମଣି ବିମାନ, ରେ ବିଜେ କରିଥିବେ ମଦନ ମୋହନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଲିଙ୍କିରେ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଗମନ କରୁଥିବେ, ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ସେ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କି, ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ରଥାକୃତ ବିମାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣି ବିମାନ, ଏଭଳି ଭାବର ସହିତ ଗମନ କରିବେ। ଏହା ଧିଅରେ ରୁନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ମହାଖଳା ପାଖକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଧବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ, ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଜ୍ଞା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ରାମ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ, କାହିଁକିନା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ
ये समस्त प्रकार विजयर बाना को उड़ेवाई अग्रसर होते जार नाम हूँ विजया दशमी। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र वाल्मीकि रामायण को टे अवलोकन करतु 14 वर्ष वनवास करने जा 14 वर्षर गोटे दिन जदि अधिक हम भरत महाराज कही आज्ञा भक्ति सूत्र प्रतीक भरत जे कि भातृ प्रेम प्रेमायित हो भ्राता यदि 14 वर्षर गोटे दिन जदि विलंब हलाना मत आपण देखा पाइबे ना मुझसे दिन प्राण त्याग करदेवी। किंतु महाप्रभु कौन कले जेते बले रावण सहित युद्ध आरंभ हो गला आज ठारु युद्ध आरंभ युद्ध शेष केउ दिन अमावास्यार पूर्व दिन देखिले जे गोटे दिन हाथ रे अच्छी अमावास्यार पहुँचवा को पड़ समस्ते से तो समस्ते कौन करती ना अमावास्या को पालन करती जहाँ को दिवाली मध्य कहुई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आसवे बोली अंधार को आलोक कर रखी थे किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम जाते कादरे ना पदयात्रा रे जाते पादरे चली चली आसला बेलकू बहुदिन बीतीज से पुष्पक विमान रे स्वतंत्र भाव रे आगमन कले कहीं शीघ्र पहुँचवापी शीघ्र पहुँचवार आशा नहीं से आगमन कर स्वतंत्रता अच्छी आज्ञा समस्ते कहती जे कि आज अनेक स्थान रे रावण पोड़ी मध्य होता है रावण पोड़ी देले कौन आपणकर भितर थिबा समस्त प्रकार रावण विनाश हो गले का भितर देखिबा जिते जन रावण को पोड़ुचंती बा रावण पोड़ी रा दर्शन करुचंती भितरे थिबा रावण को पोड़ंतु आज्ञा क्रोध काम क्रोध लोभ मोह माश्चर्य को एपकू जपर्यंत पोड़ी नहांती रिपु को दमन करिनांती जेते रावण पोड़ी कले मध्य किछि लाभ नाही आज्ञा गोटे कथाटे आपण देखंतु आपण गोटे पालटिए टाणीबे छाई करिबा पई रास्तारे से पालटी केते दिन रहिबा आज्ञा बेसी दिन रही चिरीजी जदि छाई को आप चाहती गोटे वृक्ष टीए लगातु से वृक्ष टी छाई प्रदान कर रावण को आप हत्या करवा दरकार नाई मन भितर राम को जन्म करातु ना देखिए आपण भितरे थिबा समस्त प्रकार रावणत्व हत्या हो सत्य थिले आलोकटा अंधार टी किपरि भावरे संपूर्ण भावरे अंधार को के दूरीभूत करि परुचंती एते लाइट लागुछ आज्ञा किछि बाट देखिबे जाइसला परे पुणी अंधार किंतु आमे आलोकर यदि आविर्भाव हुए से स्थानटी जेपरि भावरे अंधकार दूरीभूत हो जाए से भली भावरे आम भितरे थिबा अंधकार को दूरीभूत करिबा पई ज्ञानर आलोक जलांतु आज्ञा रावण पुड़ीर आलोक आपण जीवन आलोकित तो हेबो नाही केवल आलोकित तो हेबो कौन ना निज जीवन रे जेते बेले ज्ञान रो आलोकता भरी दब ता सहित समस्ते कुंती जे पाप नष्ट हब पुण्य अर्जन करी चलंतु ना पुण्य को संचारित करी चलंतु पाप कौड़ोसी स्थान ताहा पाई नथिबा आज्ञा अज्ञान ध्वंत विध्वंसम सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्या जेपरि भाव अज्ञान रूपक अंधकार को दूरीभूत करिबा पाई कोटि सूर्य सम सूर्य उदय हुंती सेई भली भावर सहित आम भितरे थिबा अज्ञानता को दूरीभूत करिबा पाई आम भितरे थिबा ए रिपु को राक्षस को दमन करिबा पाई मर्यादा पुरुष रामचंद्रंकर भाव को भितरे प्रकट करंतु
रावण को मारिबा को पड़ी बना ही आपे आपे से समस्त प्रकार दमन हो जाया से सदा सर्वदा ये शरीर आपणकर ये सृष्टि आपणकर आज्ञा देखिए रावण पुड़ी रे जी बाण फुटु थाए ये जी संपूर्ण भाव में कलुषित केते प्रकार ताकू थरे लक्ष्य करंतु कहीं बहुत संख्यक मध्य केते आड़े कौन हो जाए एड़े एड़े बड़ रावण करा जाए थी तद्वारा ताकू पुड़ीबा द्वारा कौन सी स्थान विद्युत कौन सी जगार देहरे लिया लगि अनेक प्रकार अघटन घटी थाए इबली भावर सहित कहीं ना आम जीवन रे केते बेले जीवन रु आमे राम रावण को आमे कौन करुछंती हत्या करूना आमे खोजुंती बाह्य रावण को हत्या करिबा पाई अर्थात ये संसार रे रावण आज्ञा सबुठी अछंती आज्ञा सबुठी रावण अछंती किंतु राम को केते जन सृष्टि करि पारुछंती राम को सृष्टि करिबा पाई थरे चेष्टा करंतु रावण आउ कौनसी प्रकार मध्य मारिबा को हबो नाही केना राम ही रावण को बद्ध करिथिले आपण चाहिथिले केते सेतेले मध्य थिले अनेक बलशाली थिले अनेक ज्ञानी गुणी थिले अनेक मध्य सेतेबेले योद्धा थिले दशरथ से मध्य बड़ योद्धा आ गया ता सहित बाली मध्य जो कि रावण को मध्य कौन करिथिले बाली सुग्रीव जो बाली मध्य कौन करिथिले ना रावण को काखे की मध्य समुद्र को बुली चंती बहुत दिन धरी से जाइथिले तो रावण को मध्य मारी पारी थांते किंतु रावण को मारिबा पई राम जेपरी भावरे स्वतंत्र भावर सहित सृष्टि होइथिले सेइबली भावर सहित आम भितरे से रामत्व भाव को प्रकट करिबा दरकार आज्ञा आउ किछि नु विजया दशमी रे या केवल चिंता करंतु जे कि समस्तंकर भल हेउ समस्तंकर भल हेले निजर मध्य निश्चित भाव रे भल हब सेति पई त आमे छोटो बेलु ठारु मृत्यु पर्यंत गोटिए कथा आमको समस्ते सिखांती कार्यर समाप्तरे मध्य समस्ते उच्चारण करिथंती सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जेपरी भावरे ये समस्त प्रकार कथा ठीक आ जाइछि सर्वे भवन्तु सुखिना समस्ते सुखरे रुहन्तु काहेकि ना आपण कहिबे समस्ते सुखरे रहिले आपण मध्य सुखरे रहिबे किपरि भावरे कहीं जण को कष्ट हेले से आउ जण को कष्ट हब आपण को मध्य कष्ट हब यदि समस्ते सुखरे थिबे ना कहा को यदि कष्ट न हुए ना आपण को मध्य कष्ट हब सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे शांतु निराम समस्ते निरवता को रक्षा कले आपण कहिबे किपरि भावरे आपण कहिबे पार्टी कर नी पार्टी कर नाही निजे देखिला बेल को पार्टी करुथिबे ये कौ प्रकार आज्ञा निजे नीरव रुहंतु ना पाछ पाख लोक मध्य नीरव रहिबा पई चेष्टा करिबे आपण सहित से याडु साडु किछि कथा वार्ता होछि आपण चुप रही जिबे से केते समय रे कथा 5 10 मिनिट पर से मध्य नीरवता रहिबो आपण यदि किछि ना किछि ताकु कहउछंती से निश्चित भाव रे कजिया झगड़ा किपरि भाव रे बढ़ी थाए मध्य इबली भाव रे तो आपण किछि कहिबे से सेपटु किछि कहिबे आपण पुनर्वार किछि करी एइबली भाव रे द्वंद आज्ञा बढ़ी थाए क्रोध मध्य इबली भाव रे बढ़ी थाए सेति पई ये समस्त प्रकार रो जो कोनोसी राग अभिमान को कदापि पोषण करिबा को दियंतु नाही ताद संपूर्ण भाव रे विच्छेद मौने मौन रही गले सब किछि समाधान होई जीवा गया कहीं कि ना कुहा जाई छी कहिबा लोकट्य त वड़ नुह
सहिबा महत जन कहिबा लोकटी महत नुहई सहिबा महत जन से कहिबा लोकटी आज्ञा महत नुह आज्ञा सहिजे जी आज्ञा सी हूँ महत। आज वृक्ष जिते बड़े लगा जाऊला जो आगे वृक्ष लग आगे शावल खोल जाए सहिला तापरे ताकू मध्य तारी भितरे वृक्ष टे पुता गला तापरे मध्य वृक्ष कौन कला ता भितरु जल समस्त प्रकार संग्रह कला या द्वारा से वृक्ष माटी कष्ट पाउची किंतु जेते बेले वर्षा टुप 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 हे वर्षा पड़िला जेउठारे वृक्ष नाही सेटी देखिवे से बाट माटी भासी जाए जल रे मिसी जाए आज्ञा किंतु जो माटी उपरे एते कषण धरी वृक्षटीए लगा जाइतिला एते कषण सोइतिला से माटी आज्ञा रही गला सेति पई जे कषण सोइछि से संसार रहिछि आज्ञा सेति पई निश्चित भाव रे ये चिंतन करंतु कुंती तो सही कथा महाप्रभु को कहउछंती महाप्रभु आपण कष्ट दियंतु कष्ट देले आपण को स्मरण करी हबो सुखरे केही स्मरण करंती नाही आज्ञा दुखरे समस्ते स्मरण करंती महाप्रभु को सुखरे महाप्रभु केवल आम को स्मरण करंती आज्ञा महाप्रभुंकर सुखरे आम को स्मरण करंती आमे किंतु नुह आज्ञा सेतिपई सदा सर्वदा दुखरे हो बा सुखरे हो महाप्रभु को या प्रार्थना करिबा महाप्रभु जेमिति होउछि होना काहिकि दुखरे हेउ बा प्रभु सुखरे हो दुख दियंतु बा सुख दियंतु मते आपणकर पाखरे रखिथंतु महाप्रभु मते आपणकर पाखरे रखिथंतु असंतु महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करी महाप्रभुंकर से गुणानुकीर्तन को श्रवण करिबा ता सहित महाप्रभुंकर हेजिबा ओ महाप्रभु को सदा सर्वदा चिंतन करुथुबा कार्यसूची को देखि आमे महाप्रभुंकर से नाम संकीर्तन को स्वतंत्र भाव रे भजन माध्यम रे नाम संकीर्तन करिबा असंतु प्रथमे महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन करिबा जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 त्राही माम जगन्नाथ पाही माम जगन्नाथ त्राही माम जगन्नाथ पाही माम जगन्नाथ त्राही माम जगन्नाथ 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 पाही माम जगन्नाथ 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 त्राही माम जगन्नाथ पाही माम जगन्नाथ त्राही माम जगन्नाथ पाही माम जगन्नाथ त्राही माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।